किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। भाइयों आज हम आए हैं गांव मिग्गा खेड़ी में, ये पड़ता है पचेंडा कला के पास में मुजफ्फरनगर में। ये हमारे भैया जी हैं। भैया जी नमस्कार, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम मुकेश कुमार है जी, गांव मिग्गा खेड़ी। मिग्गा खेड़ी, तो भैया जी आप ट्रेंच कहीं कब से बो रहे? कई साल पहले हुआ था एक बार, तो जब तो बंद कर दिया था, अब वो फिर पहली बार ही बोया। दोबारा से फिर मंडे? हाँ जी। तो पहले बंद क्यों कर दिया था? जब हमको जितना रास्ता लगा शुरू में रास्ता लगा, अब रास्ता लग गया, रास्ता लग गया। तो अब क्या, तो आपने रिकॉर्ड ले रखा इधर सारे मुझे मारा, वहाँ भी पीएसपी का रिकॉर्ड हो गया सारा, टंच गई है बढ़िया खड़ा, सब बढ़िया खड़ा, 36 भी है। तो छोटा उपकरण तो ले रहे नहीं आप अभी? अब तो सब किराए भैया, किराए पर करवा रहे। तो अगर एक आध साल ठीक लगा रोटेशन फिर तो बनाना पड़ेगा। तो आपको जैसा आप शादी विधि का करना बोरे अभी वो बोया, तो क्या लग रहा आपको? तो देखना अच्छा ही लग रहा है फिलहाल, तो होली काटने पता बात होगा, लेकिन तो देखना भी अच्छा लग रहा है। बीज वगैरह कितना लगा है इसमें? बीज में वही लग रहा है, 2 क्विंटल ही। 2 क्विंटल, तो कब होया ये भी? 2 हफ्ते ही। अच्छा, दवाई खाद भी कम लगा। तो थोड़ा सा आप ये बता दो आप किसान भाइयों को, ये कौन सी तारीख में बोया था? 5 अप्रैल। अच्छा जी, और बीज वही है 38। तो कुछ किसान भाइयों को यो बताओ थोड़ा सा, जैसे ये इतना अच्छा खड़ा नीरो का खड़ा मैं देख रहा, किसी भी पत्ते पे पेड़ पे कोई भी मतलब निशान नहीं किसी भी तरह का, तो आपने इसमें ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लगाया जो यहीं की इतना शानदार खड़ा? कॉम्प्लेक्स डाल रखा है एक बार, तो 11 कॉम्प्लेक्स बुआई में। हाँ जी, और फिर इसमें जब मिट्टी डाई तो फिर भी 11 कॉम्प्लेक्स डाला। अच्छा, 5 किलो का बीघा। 5 किलो का बीघा? हाँ जी, मतलब 5 बीघे में 1 पैकेट 25 किलो का। 25 किलो का, ठीक है। और जैसा हमारा सरदाना तहसील है वहाँ बड़ा बीघा है, हाँ जी, आपके यहाँ छोटा है, तो वहाँ हम कितने बीघे में डाल सकें उसे? वहाँ कितने में डल जाए? 5 में डल जाएगा, वहाँ भी 5 में चल जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा बस, और क्या, 4 में डाल लें। दुकानदार 3 बताओ, 2 किलो डोज फुल है। और इसमें क्या क्या डाला आपने? इसमें पोटास भी है, वही डाई है। पोटास जो है लाल वाली है या मतलब वो है लाल वाली? और डाई कितनी गिरी इसमें? डाई 5 किलो गिरी है तो फिलहाल, 5 किलो। तो गन्ना आपका बहुत ही बढ़िया खड़ा। तो कुछ ऐसी बात है जो बताना चाह रहे हैं जहाँ आपको ट्रेंच विधि में परेशानी का सामना करना पड़ा? कुछ नहीं सामना, परेशानी तो कुछ नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। इसकी तो हमने लड़ाई भी नहीं करवाई। अच्छा, सेम प्रयोग कर दी थी एक बार जी, और बस मैं 2 बार, एक बार रोटी पहले कटवाई थी और एक बार कटवाई, फिर ट्रैक्टर से बनाई, एकदम मट्टी चढ़वा दी। अच्छा, और जैसे ये कुछ किसान भाई जो हैं इस चीज़ से घबरा जा मैं नुके, इतना धोरा यहाँ खाली, इतना ही उधर खाली, इसमें क्या करोगे अब? इसमें जुताई में दिक्कत नहीं आती, खराब हो जाना फिर। अच्छा, और अब इसमें क्या बोने की वो है? बाजरा। तो कुल मिला के आपके हिसाब से ठीक लग रहा है आपको? बढ़िया ही है, ट्रेंच का सिस्टम सभी हुई है जी, सभी हुई है। हाँ जी, 36 भी हुई है। अच्छा, 36 बीज भी बो रखा आपने? हाँ, ट्रेंच का ही बो रखा है, वो भी ऐसे ही खड़ा इस हाइट में कम होगा वो तो रह भी है कुछ। हाँ जी, हाइट में कम है सर, बिल्कुल। तो यो आपने कौन सी तारीख बताई? 5 अप्रैल। हाँ जी, 5 अप्रैल। किसान भाइयों आप देख लो, भैया का जो है ये खेत 5 अप्रैल का है और 0238 बीज है, और देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त खेत खड़ा है। ये देख लो, पूरे खेत में मिट्टी चढ़ गई। और इस खेत में सबसे अच्छी बात जो होती है ट्रेंच विधि में यह होती है कि इसमें जो है पानी बहुत थोड़ा लगता है, नीचे नीचे फैल जा। तो भैया आप पानी दो तो कितना पानी लग जा, मतलब घंटे में कितनी भराई हो जा? ये तो घंटे में 1.5 घंटे सारे भर दे, 5 बजे 1.5 घंटे में सारे में घूम जा। तो गूल पे ऊपर तक देख रहे हो, अधम तक, जब आधा हो जाए तभी 12 बंद कर दो। तो किसान भाइयों इस विधि में जो है, जैसा भैया बो रहे हैं, मैं इनके खेत में आया हूँ, कोई फेक बात तो है ही नहीं। कुछ आपको और भी बात करनी है तो भाई का नंबर वीडियो में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ भी बात कर सकते हैं। इस विधि से भाइयों जो रिकवरी बढ़ती है तो मील को फ़ायदा होगा, मील को फ़ायदा होगा, हमें किसान का जो है पानी कम लगेगा, जल स्तर भी घटेगा, मतलब घटने से बच जाएगा। और मील अगर फायदे में होगा तो भाइयों किसान को भी सही समय पर पेमेंट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाइयों नमस्कार।